हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। मैं आपके दोस्त रूपचंद शाह हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक नई वीडियो। और हमारे सामने में खड़े हुए हैं बजाज की इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा। आज हम आपको इसका फुल रिव्यू कराने वाले हैं कि ये जो भाई साहब है बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा कितने देर से चला रहे हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है, कितने देर में चार्ज होते हैं और भाई साहब ने कब लिया है, गाड़ी से खुश है या नहीं है, तो पूरी आपको जानकारी मिलेगी, फुल रिव्यू मिलेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरे जरूर देखें। भाई पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाले सभी वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं अभी पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, और आगरा में आपको दिख जाएंगे यहाँ पे हजारों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चलते हुए, सभी कंपनी की, मोन्ट्रा की है, बजाज की है, TVS आपके। और आज मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा जो कि हमारे सामने में खड़े हुए हैं। तो भाई वीडियो को पूरा जरूर, सबसे पहले आप देखेंगे तो सामने आपको बजाज आरी का लोगो मिल जाएगा और दो हेडलाइट है। सामने का टायर बहुत बढ़िया है, बड़े साइज में है। और आपको जो इसका शीशा मिलेगा, ग्लास मिलेगा, ये राउंड शेप में है, सिंगल वाइपर मिल जाएगा। और ये भाई साहब ने इंडिकेटर के ऊपर में जाल लगवाया हुआ है, इससे क्या रहेगा कि आपका इंडिकेटर सेफ रहेगा, इसमें कोई पत्थर वगैरह मारेगा तो टूटे फूटेगा नहीं। इसके बाद में आपको और दिखाता हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज, ये भाई साहब ने अलग से सेफ्टी के लिए लगवाया हुआ है, ये लोहे का प्लेट लगवाया हुआ है। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी गाड़ी यहाँ से कभी क्रेक नहीं होगी, क्योंकि कभी आप गड्ढे गड्ढे में कूदाते हैं तो यहाँ से चेचिस और ये पट्टी क्रेक हो जाती है, चटक जाती है। इसके बाद में जो ड्राइवर सीट है, सिंगल सवारी बैठने की है, भाई साहब ने थोड़ा एक्स्ट्रा बनवाया हुआ है जिससे कि कभी एक्स्ट्रा सवारी मिले तो आप उसे आराम से बैठा सकते हैं। और ये गाड़ी पूरी तरह से जो कंपनी से आई है वैसी है, इसमें कुछ ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया गया है। और मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ, पीछे कैसा है इसका, ये देखेंगे पीछे का टायर है, काफी बड़ा टायर है। और इसके साइड में आपको एक लोहे की पट्टी मिल जाएगी, पीछे आप देखेंगे तो सपोर्ट के लिए एक एंगल लगा हुआ है, हैवी लोहे का बना हुआ है, इससे भी आपकी गाड़ी सेफ रहेगी, पीछे से कोई ठोकेगा तो आपकी गाड़ी में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ब्रेक लाइट इंडिकेटर के ऊपर भी इन्होंने जाल लगवाया हुआ है, तो गाड़ी काफी शानदार है भाई। आपको अंदर में दो साइड ग्लास मिल जाएंगे, बहुत ही बड़े वाले हैं। आपको डिजिटल मीटर मिलेगा, कार के जैसा इसका डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा, और आप देखेंगे तो डिजिटल मीटर मिलेगा आपको। देख सकते हैं आप ये मीटर है, और अभी बैटरी इनकी लगभग चार्ज है 107 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। यहाँ पे आपको एक डिक्की मिलेगी, इसमें आप चिल्लर पैसे वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे स्विच मिल जाएगा और बाकी सिस्टम तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे आप स्पीकर वगैरह भी लगा सकते हैं, वो भी बना हुआ है। तो भाई अब हम इन भाई साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे और आपको जानकारी बताने की कोशिश करेंगे कि इन्हें गाड़ी चला के कैसा लग रहा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? संजय कुशवाहा। अच्छा, कितने दिन से चला रहे हैं आप बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो? मेरे को पहले पुराना गाड़ी था मेरे पास। अच्छा, मैंने नया लिया है बजाज का। अच्छा, मेरे को लिए हुए 3 महीने हो गए, 3 मंथ हो गया। 3 महीने हो गया। हाँ जी। तो जैसे आप 3 महीने से चला रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, गाड़ी में कोई कमी है क्या है और कुछ इसमें करने लायक है? नहीं, गाड़ी बढ़िया है। अच्छा, कमी नहीं है गाड़ी के अंदर, सेल्फ स्टार्ट है और बैटरी चार्ज, बैटरी वाली गाड़ी है। अच्छा, जिसका हम 3 से 4 घंटे चार्ज करते हैं, जो हमको 140-150 किलोमीटर चलाते हैं। ठीक है। गाड़ी आपने नगद में लिया कि फाइनेंस करवाया है? हमने नगद ही लिया। नगद में कितने में पड़ी? नगद में ये पड़ी है 3,30,000 रुपए की। 3,30,000? हाँ जी। अच्छा, और इसमें बीमा मिला होगा कंपनी की तरफ? हाँ, 1 महीने का, 1 साल का बीमा भी है। 1 साल का बीमा है। और परमिट? परमिट तो अभी नहीं है, 3 साल का गारंटी में है गाड़ी। अच्छा, 3 साल का गारंटी में परमिट। नगद में गाड़ी की कीमत है 3,30,000 और वारंटी कितने साल की मिली है? 3 साल की। 3 साल की। क्या क्या चीज की वारंटी मिली है? बैटरी, मोटर, चार्जर। बैटरी, चार्जर, तभी सभी चीजों की 3 साल की सभी चीजों की 3 साल की वारंटी है। जैसे आपको 2.5-3 महीना हो गया तो आप सर्विस सेंटर तो गए होंगे? सर्विस सेंटर मिल जाएंगे, 500 किलोमीटर पर सर्विस करानी पड़ती है। अच्छा, तो सर्विस सेंटर में जो काम करते हैं
वहाँ पे कैसा है उनका रिजल्ट कैसा है? बढ़िया, जो कमी होती है पूरी करते हैं वो लोग। अच्छा, वहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह आती है कि आपको ले आती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, वो पूरी सर्विस करते हैं। कोई कमी होती है पूरी करते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते वो लोग। अच्छा, कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री सर्विस है? फ्री सर्विस है। अच्छा, जैसे इसको आप चार्ज करते होंगे अभी, तो आप चार्ज कहाँ करते हैं, घर पे करते हैं कि बाहर करते हैं? घर पे करते हैं, घर पे हमने लगा रखा है इसका, इसका चार्ज अलग मिला हुआ है, उसको चार्ज करते हैं, 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है। अच्छा, तो ये मीटर आपने अलग से लगवाया होगा कि इसका मतलब एमसीबी आरसीबी? इसका एमसीबी अलग मिलता है, मीटर के अंदर कन्वर्ट करके वो चार्ज कर देती है। तो उसको ग्राउंड अर्थिंग बोला जाता है? हाँ, ग्राउंड अर्थिंग। उसका अलग से चार्ज लगा है? हाँ, अलग से चार्ज लगा हुआ, उसका अर्थिंग अलग से लगा हुआ है। कितने पैसा लगा अलग से? समथिंग 300-400 रुपए अलग खर्चा होता है। 300-400 रुपए अलग से लगा है। तो उसको लगाने से क्या फायदा है? अगर आप नहीं लगाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी? अर्थिंग के बिना चार्ज नहीं होगी। अच्छा, अर्थिंग के बगैर चार्ज नहीं होगी। अच्छा, जैसे आप एक बार फुल चार्ज करके निकलते हैं तो कितने किलोमीटर चल जाती है एक बार में? 140-150 तक चल जाती है। 140-150 किलोमीटर। और कंपनी ने क्या बताया कितने किलोमीटर चलेगी? 150 किलोमीटर गारंटी है। 150 किलोमीटर और कंपनी तो 178 किलोमीटर बताती है। नहीं, 150 किलोमीटर बताया, 179-178 का। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड क्या है? इसकी 45-41 और एम दबाने पर प्लस 55। यानी कि 45 से 55 टॉप स्पीड है और 35 तक मीडियम स्पीड है जो सिटी में चलती है। तो जैसे आप एक बार फुल चार्ज करके निकलते हैं तो आप दिन भर चलाते तो आपकी इनकम कितनी हो जाती है? इनकम 1000 से 1500 तक पूरा हो जाता है। 1000 से 1500 तक सिंगल चार्ज में? सिंगल चार्ज। अच्छा, ये चलते चलते चार्ज भी होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चार्ज नहीं होती। चार्ज नहीं होती है? अच्छा, अगर सिंगल सवारी लेकर चलोगे तो ज्यादा चलेगी, ज्यादा सवारी वजन ज्यादा लेके चलोगे तो अच्छा, कम 130-140 तक कम हो। लेकिन कम, बजाज कंपनी ने तो खुद बोला है कि ये रीजनरेटिव सिस्टम है, जब ये गाड़ी आप चलाते हैं, ब्रेक छोड़ते हैं, एक्सीलेटर छोड़ते हैं, तो गाड़ी चलते चलते चार्ज होती है। वो खाली पे, खाली अगर खाली गाड़ी चलाओगे अच्छा, ऑटोमेटिक चार्ज होगा उसके। अच्छा, ऑटोमेटिक खाली गाड़ी में चार्ज होता है। और इसका चार्जर वगैरह आप साथ में लेके चलना पड़ता है कि चार्जर गाड़ी के अंदर ही फिट है? इसका लीड मिलता है, उसका चार्ज होता है केवल। अच्छा, तो फिर आप चार्ज कैसे करते हो? जैसे आप कहीं गए, फंस गए अगर, तो आप कैसे चार्ज करेंगे? उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना, अगर हमें मालूम पड़ जाता 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाती है। अच्छा, उसका बेनिफिट मालूम पड़ जाता है हम लोगों को, हम सीधे घर आ जाते हैं और चार्ज कहीं नहीं होगी। अच्छा, अर्थिंग पॉइंट यह होता है कि गाड़ी घर पर ही चार्ज होगी। अच्छा, तो गाड़ी का एक बार चार्ज करने का खर्चा कितना आता है घर पे? अभी तो हमारा 30-40-50 रुपए से ज्यादा नहीं आता है। 40-50 रुपए। तो आप दिन में कितने बार चार्ज करते हैं? एक ही बार रात को करते हैं केवल। सिर्फ रात में आप करते हैं, दिन भर चलाते हैं? दिन भर चलाते हैं, रात को हम 4 से 5 घंटे चार्ज करते हैं। तो गाड़ी से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। कोई अगर लेना चाहता है तो आप उसको क्या सलाह देंगे? बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेना चाहते हो ले सकता है, बढ़िया ले सकता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी गाड़ी आ चुकी है और इस गाड़ी में कमी भी है, ये गाड़ी छोटी है थोड़ा साइज में, जगह इसमें कम है, आप इसमें 4 सवारी कंफर्टेबल नहीं बैठा सकते हैं, ड्राइवर सीट में अगर आप 2 सवारी बैठा लेंगे तो आपके घुटने टच हो जाते हैं डैशबोर्ड में, सही बात है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ऊपर है, अगर ज्यादा सवारी 5 सवारी तो मिला सकती है आराम से। लेकिन आपे से छोटी है, महिंद्रा से भी छोटी है साइज में, गाड़ियों के अंदर भी तो कमी है ना, वो 120 चलती है, 150 चलती है, कैसे भी कर लो। अच्छा, यानी कि 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी गाड़ी। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये आएगी कि समझो अगर कभी आपका चार्जर खराब हो गया तो आपको पूरी गाड़ी कंपनी लेकर जानी पड़ेगी। कंपनी लेकर जाना पड़ेगी। लेकिन दूसरी गाड़ियों में आपको सिर्फ चार्जर बस लेकर जाना पड़ेगा, अगर आपके दोस्त भाई का या किसी अड़ोसी पड़ोसी का आपको चार्जर मिल जाएगा तो आपकी गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी। ये बात तो है ना। लेकिन इसमें ये कमी है कि अगर आपका चार्जर कुछ हुआ तो आपको डायरेक्ट कंपनी में ही ठीक होगा। कंपनी में? वो चाहे कितने दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना, उसमें फॉल्ट गया है जब तक ठीक नहीं होगा। तो ये कमी, तो इस कमी की वजह से दिक्कत तो आएगी ना बाद में। अब वो कमी तो हर किसी गाड़ी में होता है, सबकी में होता है, अब क्या करा जाए? नहीं, तत्काल में तो ठीक है, अभी समझो जैसे आपे की गाड़ी है, आपे की इससे बड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी वाला नंबर दे रखा है, अगर कोई दिक्कत आती है तो कंपनी वाला घर पे आके सही कर सकता है। अभी अभी दिक्कत नहीं आ रही क्योंकि अभी नई नई गाड़ियां निकल रही है, तो अभी 1 साल तक दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब 1 साल के बाद गाड़ियां जब ज्यादा चलती है तो दिक्कत आने लगेगी। उस टाइम में क्या होगा कि सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी पहुंचेंगी तो सबका काम तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर वहां वेटिंग हो जाएगी, जैसा कि अभी महिंद्रा का हो रहा है। महिंद्रा वालों ने पहले बहुत सारी गाड़ी बेच दी, लेकिन जब काम सब गाड़ियों का निकलने लगा तो अभी 15-15 दिन तक वहां पे गाड़ियां खड़ी रहती है,
तो आपके साथ में भी ऐसा हो सकता है, आपने इसके बारे में सोचा है क्या कभी? वो हो सकता है, आप सोचना कि आप लेनी है तो लेनी है गाड़ी, ले लिए तो ले लिए। लेकिन अगर कोई अभी लेना चाहता है जैसे आप बोल रहे हैं, तो इसको ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो भले रखना, मेरे को सबसे अच्छी गाड़ी यही लगी बजाज। अच्छा, मेरे को दिक्कत नहीं आ रही, आने वाले समय में दिक्कत आएगी उसके लिए कंपनियां लगाएगी, ऐसा नहीं है, जगह जगह पे सर्विस सेंटर होंगे इसकी, ऐसी बात नहीं। ओके, तो मित्रों आप देख सकते हैं कि ये जो भाई साहब है आगरा शहर में बजाज के इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, और इनका जो 2.5-3 महीने का तजुर्बा है, इसके हिसाब से गाड़ी काफी शानदार है। और आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपके शोरूम में जाए, इंक्वायरी करें, टेस्ट ड्राइव करें, और गाड़ी कोई भी खरीदे, आप आपके मन के हिसाब से खरीदे, किसी के कहने पर ना खरीदे, आपका खुद का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेना है। और लेने के बाद में आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, मेरे को भी नहीं, या जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। भाई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल सके।